सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3 मई अप्रैल 2021 सोमवार के आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें और आपके जीवन में हमेशा खुशियों की बरसात रहे। चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कौन सी कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 3 मई 2021 दिन आज सोमवार का है, महीना जो है वो वैशाख का रहेगा। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी नामक तिथि बन रही है जो कि यह ठीक दोपहर 1:39 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की अष्टमी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र बन रही है जो कि यह ठीक सुबह के 8:22 तक चलेगा और इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो शुभ नामक योग बन रही है जो कि यह ठीक रात्रि के 9:37 तक चलेगा और इसके उपरांत शुक्ल योग बना रहेगा। चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का जो टाइम है वो रहेगा ठीक सुबह के 5:56 पर और सूर्यास्त का समय शाम के 6:51 पर, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 12:39 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक दोपहर 12:37 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगा। अर्थात आज का शुभ समय यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। चलिए बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह ठीक सुबह के 7:37 से लेकर ठीक सुबह के 9:10 तक चलेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। जिंदगी में सब कुछ करना लेकिन अगर खुश रहना है तो इस जमाने में किसी से भूल के भी कोई उम्मीद मत रखना। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। यह वक्त आपका है साहब, चाहो तो सोना बना लो या फिर इसे सोने में गुजार दो। बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट को आशियाना बना ले। चलिए बात करते हैं अब आपकी डेली राशिफल की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम आपकी डेली राशिफल की बात करने जा रहे हैं। आपका करिश्मा आपके आसपास के लोगों को प्रसन्न करता है फिर चाहे वो घर हो या बाहर। हम आपको बताना चाहेंगे आपके पास खर्च करने के लिए धन है किंतु इसे सोच समझ कर खर्च करें क्योंकि दोस्तों के साथ घूमने जाएं नेटवर्क के लिए यह अच्छा समय है। आपको इस बात का ध्यान रखना है जिससे कनेक्शन बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक होंगे। आपको हम बताना चाहेंगे आज आपके सितारे आपको अनंत भावनाएं प्रदान करेंगे। अधिक संवेदनशील होने की वजह से आप निराश हो सकते हैं किंतु आपको निराश नहीं होना है और गलत फहमियों को दूर करनी है तो अपने मनोभाव व्यक्त करें। जीवन आपको जो सुनहरे मौके दे रहा है उन्हें दोनों हाथों से बटोरें क्योंकि जीतने वाले लोग अलग चीजें नहीं करते बस वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके करियर और बिजनेस की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए लक्ष्य भरपूर नहीं है लेकिन
आपका करिश्मा और आकर्षण इसे खास बना सकता है। आपको हम बताना चाहेंगे, अपने कार्यस्थल में एक प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए आपको नए तरीके के बारे में सोचना चाहिए। अतिरिक्त लाभ और सफलता के लिए अभी कुछ स्वयं इंतजार करना होगा। हम आपको बताना चाहेंगे, आज आपके दरवाजे पर कई मौके दस्तक दे रहे हैं जो आपको वित्तीय लाभ समृद्धि मिलने की संभावना है। अगर आप व्यापारी हैं तो सितारों के अनुसार आज आपको लाभ होगा। यह समय आपको नई नौकरी भी मिल सकती है। याद रखें, कभी बुराइयों की जड़ नहीं है, लेकिन अधिक धन होना अच्छाइयों का प्रमाण पत्र नहीं है। चलिए अब आपके लव लाइफ की बात करते हैं। नजरों के इशारे या छेड़खानी का प्यार के रिश्ते में अपना खास महत्व है। आपको हम बताना चाहेंगे, किसी क्लब समूह या सोसाइटी में शामिल होकर आप अपने बोरिंग जीवन को ताजगी ला सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अपने आकर्षण के साथ साथ अपनी योग्यताओं का प्रयोग करके इस समय आप अपने क्रोश को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, आपके जीवन का यह नया चरण उत्तेजना और चाहत का संकेत दे रहा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय जीवन में मिलने वाले सुनहरे मौके को हासिल कर लें इससे पहले कि यह मौके आपके हाथ से छूट जाए। बस काम वासना और आवेश की गति से बचें। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो।